वसंत कुंज के निगम पार्षद अपने साथ साथ बाकी युवाओं को भी कर रहे हैं फिट, जिसके लिए खेल रहे हैं बैडमिंटन। तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज की दिखा रहे हैं। यहाँ पर निगम पार्षद और बाकी युवा यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान अपने आप को स्वस्थ और व्यस्त रखने का यह नया तरीका इन युवाओं ने निकाला है, जिसमें साथ मिलकर बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बैडमिंटन सबसे अच्छा खेल माना गया है, जिसके तर्ज पर यह लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। और साथ ही साथ निगम पार्षद भी यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी युवाओं भी उनको देख कर यह बैडमिंटन का खेल खेल रहे हैं और अपने आप को फिट कर रहे हैं। प्रदीप मलिक, लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से समय व्यतीत कर रहे हैं और स्वास्थ्य पे किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम मॉर्निंग्स में उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये जरूरी सबके लिए, योगा करते हैं, बहुत मस्त है। बट हमारे मोहन भलाव जी ने हमारे लिए यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, जिसमें हम शाम को 3 आवर्स खेलते हैं। हमारी बॉडी पावर स्ट्रॉन्ग करता है और मोहन जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे लिए नया बैट बनाया। देखिए, आप देख सकते हैं, खेल भी रहे हैं हम डेली यहाँ पर खेलते हैं। तो किस तरीके से बैडमिंटन आप लोग खेलते हैं, कैसे महसूस करते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, व्यस्त भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं? देखो जी, हमारे मोहन जी ने हमारे लिए किस तरीके से स्वस्थ रहते हैं इस लॉकडाउन के दौरान जब बैडमिंटन खेलते हैं? देखो, स्वस्थ हम रहते हैं जब हम 3 आवर्स खेलते हैं, अपने आपको हल्का महसूस करते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा डेली हम खेल रहे हैं तो अपने आपको हल्का फील करते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो लॉकडाउन के दौरान एक सही विकल्प बैडमिंटन खेलना और तरीके से अपनी बढ़ाना था। ये बहुत सही विकल्प है, हमारे पास कोई कोर्ट भी नहीं था, हम विलेज से बिलोंग करते हैं, वहाँ कोई भी कोर्ट नहीं था, हम उनका धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए कोर्ट बनाया और हमें खिलाया गया।